ये सब्जी चटपटी है, टेस्टी है और बहुत ही पौष्टिक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी आपने बहुत तरह से बनाया और खाया होगा, एक बार इस तरह से भी ट्राई करें और देखिए इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं लौकी की चटपटी सब्जी। हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में छोटी सी घंटी आएगी उसे दबाकर आल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने आधा किलो लौकी लिया है। इसे हमने छीलकर धोकर इसे लंबे लंबे पीस में काट लिया है। ये देखिए, ये न ज़्यादा पतला है और न ज़्यादा मोटा, ये आसानी से पक जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे यानी 1/4 चम्मच, और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, इसे हम इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसे मिक्स करेंगे, सारे मसाले और लौकी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे हाथ से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, जिससे सारे लौकी में अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। इसे हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे तो इसमें मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है और ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। अब हम गैस पे पैन रखेंगे और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम लौकी डालेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा है। हम सारे लौकी इकट्ठे डाल देंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम 4-5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इस समय गैस को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे जलने ना पाए। इसे हमने 4-5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब ये हल्का ब्राउन हो गया है। सारे लौकी को हम पैन में से निकाल लेते हैं। लौकी निकालने के बाद 1 बड़ा चम्मच तेल इसमें बच गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल और डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। लौकी की सब्जी में हींग और जीरा डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे लौकी की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है। ये हमने 2 हरे मिर्च को छोटे छोटे पीस में काट लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी हमने ग्रेट कर लिया है और 7-8 कली लहसुन को हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब हम इसे इकट्ठे ही इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक भून लेंगे। इसे हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में इसे डालेंगे और इसे हम 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जिससे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसे हमें हल्का ब्राउन करना है। प्याज को हमने 2-3 मिनट भून लिया है, अब ये हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें जाएगा टमाटर, 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। इसे भी हम प्याज के साथ 2-3 मिनट भून लेंगे, जिसे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसे हमने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। 1 छोटा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे यानी कोरिएंडर पाउडर, और 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हमने मैरिनेट करते समय भी हल्दी डाला है इसलिए कम ही डाल रहे हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम मीट मसाला डालेंगे। आप जो भी सब्जी मसाला, मीट मसाला, किचन किंग मसाला जो भी यूज़ करते हैं इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएँ। बस इतना ही पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1-2 मिनट तक कुक कर लेंगे, जिससे मसाला अच्छे से पक जाए। अब मसाला अच्छे से पक गया है और ये तेल छोड़ दिया है, ये देखिए।
अब इसमें हम लौकी डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखा है। हम सारे लौकी इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/4 कप पानी डाल दें, और अगर ग्रेवी बनाना नहीं चाहते हैं तो इसी तरह से इसे ढककर पका लें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला है मैरिनेट करते समय, इसलिए हम 1/2 चम्मच ही डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 लौकी फ्राई करते समय ही पक गया है, अब इसे 1/2 ही पकना है। तो अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डाल देते हैं जिससे लौकी अच्छे से पक जाए, बस इतना ही पानी डालेंगे लौकी पकने भर का, और इसे मिक्स कर लेंगे। लौकी की सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है। अब इसे हम ढक के 4-5 मिनट छोड़ देते हैं जिससे लौकी अच्छे से पक जाए। इसे हमने 5 मिनट तक कुक कर लिया है, अब सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और 1/2 चम्मच गरम मसाला। धनिया और गरम मसाला बाद में डालते हैं तो सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जी बनके तैयार हो गया है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब गर्मा गर्म लौकी की सब्जी सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बना है, आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये आपको खाने में कैसा लगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बस 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।